कार्यक्रम के आयोजक हसन साहब और सैयद डॉक्टर साहब, विशेष अतिथिगण और भाइयों और बहनों, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके जो स्वागत किया है, मैं आप सब लोगों का अंतःपूर्वक से आभारी हूँ। न्यायाधीश बोलने के बाद हमें सुनना पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है। आर्गुमेंट चलते हैं, सालों गिनती कैसे चलते हैं, जो निकाल लगने का। कार्यक्रम के आयोजक हसन साहब और सैयद डॉक्टर साहब, विशेष अतिथिगण और भाइयों और बहनों, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके जो स्वागत किया है, मैं आप सब लोगों का अंतःपूर्वक से आभारी हूँ। न्यायाधीश बोलने के बाद हमें सुनना पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है। आर्गुमेंट चलते हैं, सालों गिनती कैसे चलते हैं, जो निकाल लगने का लगता है, लेकिन जो बंधन न्यायाधीशों पर रहता है, बहुत कठिन बंधन होता है। और कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, अभी ये जो सामाजिक कार्यक्षेत्र है, ये जीवन में सर्वोत्तम कार्यक्षेत्र है। भले मनुष्य जो कुछ काम करता हो, लेक्चरर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, न्यायाधीश हो, और कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रमुख हो, लेकिन हर एक कुटुंब से सामाजिक कार्य जुड़ना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि देश में इतनी गरीबी है कि हम जो फालतू खर्चा करते हैं, वो गरीबों में बांटना बहुत जरूरी है। गरीब लोग ऐसे हैं जिनको सवेरे का खाना है तो शाम को नहीं, शाम का तो दूसरे दिन, या ऐसे लोग हैं फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मजदूरी पर जाते हैं, उनकी हालत देख के हमें रोना आता है। लेकिन कुछ लोग क्या है, हाँ होंगे गरीब, होंगे ऐसा होगा, और फालतू खर्चा करते हैं गाँवों में, पार्टियों में, इधर उधर। हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम जो फिजूल खर्चा करते हैं पार्टियों में, दारुओं में, इधर उधर, वो पैसा गरीब लोगों में बांट रहा, उनका जीवन सुधारो। मैं एक रिटायर्ड जज हूँ और अभी भी मैं हाईकोर्ट का आर्बिट्रेटर बन के काम कर रहा हूँ बहुत दिन से, और बड़े बड़े मैटर्स मेरे पास चलते हैं, मल्टी स्टेट बैंक से चलते हैं, जिनमें जो केसेस हम एक साल छः महीने में करते हैं, जो कि सर्वसाधारण कोर्ट में उसको 10-15 साल लग जाते हैं। आर्बिट्रेशन का जो महत्व है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। उसमें जो आर्बिट्रेशन हमें हाईकोर्ट से अपॉइंटमेंट मिलती है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस होते हैं, जो जो 10-20 करोड़ के केसेस होते हैं, वो हम सुलझा के उसमें। अभी लोन के कुछ केसेस ऐसे होते हैं, लोग पाँव पढ़ के लोन लेते हैं, लेकिन भरने को उनको जान पड़ जाए, तो वैसे जो 10-20 करोड़ के, 15 करोड़ के, वो लोगों को दोनों को बोलो बिठा के बैंक वालों को, इसको उसमें समझाओ, 10-20 लाख के केस में 1-2 लाख का इंटरेस्ट होगा तो हम माफ़ कर देते हैं, और उनको सहूलत से भरने के लिए लगा देते हैं। जैसे एक बड़े केस थी, 40 करोड़ रुपया लिया था वो आदमी ने, इचल करंजी बैंक बन के थे, तो वो आदमी ने बॉम्बे के एक फ्लैट 20 करोड़ का फ्लैट गिरवी रखा, और नासिक के कारखाना गिरवी रखा 45 करोड़, घबरा नहीं। फिर मैंने बॉम्बे के जो फ्लैट है 20 करोड़ का, उसको खाली अटैच न करते हुए, जब्त न करते हुए, पुलिस कमिश्नर से ऑर्डर देके, पुलिस कमिश्नर को 25-30 PI ये वो देके वो फ्लैट जब्त करके हरास कराया, और नासिक का कारखाना भी मैंने हरास कराया, जिसमें के 45 करोड़ में से 42 करोड़ रुपये वो बैंक के वसूल हो गए। इस प्रकार जो जो केसेस साधारण कोर्ट में सालों गिनती ले रहे हैं,
ये आर्बिट्रेशन ऐसी चीज है, लवाद कोर्ट बोलते हैं आर्बिट्रेशन में, लवाद कोर्ट, इसमें फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के प्रकार चलते हैं जिसमें दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ कर्तव्य मिल जाती है, छूट मिल जाती है। ये एक है। इस न्यायाधीश के काम के अलावा मैंने जो सामाजिक कार्य भी शुरू किया है 4-5 साल से, जिसमें मैं बहुउद्देश्य उसमें ये रखा है, जैसा गरीबों को अन्नदान डिस्ट्रीब्यूट करना, ढाकी हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटलों में जाके अन्न के पैकेट देना, जाके इतने गरीब लोग आते हैं खाने को नहीं रहता, पहनने को कपड़े नहीं रहते, उन लोगों को मैं दान करता हूँ। इतना ही नहीं, जो अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम में स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ना बैग लेने को, पुस्तक लेने को, कुछ भी नहीं, पेन लेने को पैसे नहीं होते हैं, फिर मैं उस जगह जाके उनको कपड़े, स्कूल बैग, नोटबुक्स, बुक्स, पेन सब उनको देके उनके खाने का इंतजाम भी कराता हूँ। मैं हमारे में ऐसा है कि अपनी जो कमाई है उसके 10-15% को भी गरीबों में बांटने का उद्देश्य रखना चाहिए। मैं इस प्रकार महीने में 15-20 हज़ार रुपये गरीबों में दान करता हूँ। ये नहीं कि पार्टी में जा रहे, वो पार्टी में जा रहे, यहाँ खा रहे, वहाँ पी रहे, कुछ नहीं, बस गरीब एक उद्देश्य रखा है कि गरीबों की, गरीब को मिलता है, गाड़ी में बैठता हूँ बेचारे कहीं सिग्नल आता है तो मांगने को आते हैं, क्या देना चाहिए, 500 की नोट, 200 की नोट ले बेटा, 10-5 रुपये नहीं, कई को तो हकाल देते 500 के नोट, और कई बार तो जो बुजुर्ग मांगने वाले होते हैं उनको 400-500 नोट देकर उनके पैर पड़ता हूँ। क्यों, मैं हूँ न्यायाधीश, न्यायाधीश कोर्ट में हूँ, लेकिन यहाँ सर्वसाधारण कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, उनके पैर पड़ता हूँ। गणेश करोड़ जी, कई बार होता है, मेरा कोर्ट बॉम्बे में है, यहाँ है, सब जगह पूरा महाराष्ट्र का जो चैनल है, ऐसा जाते हो अगर कोई होटल में चाय पीने को बैठा है तो वाले आए साहब जाओ तो ड्रेस में था मैं कोर्ट के जज के, 500 रुपये उसके हाथ में देके पहुँच पड़ा, मैंने पहुँच छुआ, इतने परेशान लोग हो गए साहब, मैं बोला मैं जज हूँ मेरे कोर्ट, आज ये जो फकीर है मेरे पिताजी समान है, उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य। इस प्रकार हम अपने जीवन में आके अच्छे काम करो, ये नहीं कि इसको गिरा रहे हैं, उसके निंदा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कोई मतलब नहीं। बहुउद्देश्य कार्य संस्था मतलब मेरा मतलब है खाली अनाज दान नहीं देने का। अभी रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन लोग ऐसा देख के चले जाते हैं। मेरा मतलब है एक कार्यकार सामाजिक सेवा ऐसी स्थापना करो जिन्होंने सिर्फ जो एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवे पर और जहाँ भी होते हैं, वो जख्मियों को ताबड़तोड़ ले जाकर दवाखाने में एडमिट करो। उसके लिए सामाजिक संस्था को एक एम्बुलेंस लेना क्यों नहीं होता, एम्बुलेंस, और वो एम्बुलेंस की सर्विस वो जख्मी लोगों को तुरंत उनके लोग आए तक उनको हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज करो। अगर से सरकारी हॉस्पिटल नहीं है नजदीक तो प्राइवेट दवाखाने में उनको इमीडिएट ले जाके वो जख्मियों के इलाज करो, और वो गरीब लोगों के पास पैसा ना हो तो वो सामाजिक संस्था पूरा करता हो बेहतर कर देता, क्यों कि वो गरीब आदमी है, दे नहीं सकता, लाखों रुपए जख्मी हो तो लाखों रुपए का खर्चा आता है, तो उस टाइम में वो सामाजिक संस्था का काम है कि एम्बुलेंस से ले जाके उसको जो जो दवाइयाँ ICU में ले जाओ, जहाँ जहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है वहाँ उसको रक्तदान ब्लड डोनेशन देना पड़ता, ये सब सामाजिक संस्था का काम। और एक्सीडेंट में जो एम्बुलेंस रहती है सामाजिक संस्था के पास, उसके बारे में मोबाइल नंबर वगैरह सब हाईवे पर लगा देना कि भाई एक्सीडेंट हो, दुर्घटनाग्रस्त में जो भी लोग होंगे तो ये फलाने फोन नंबर पर अर्जेंट फोन लगाया और आधे घंटे में पहुंच के वो जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा। ये एक सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था में खाली गरीबों को बात, कई नमूने के संस्था। अब जैसा मुख जानवर रहता है, बकरी भेड़ रहते हैं, कुछ कबूतर रहते हैं, मुर्गी, उनको दाना दो, मुख जानवर उनका जय करो,
कभी बंदर आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं, मोर आ जाते हैं, कभी पक्षी आ जाते हैं, उनको भी आप दान करो। वो भी एक सामाजिक संस्था, वो भी एक कार्य बहुत बड़ा, क्योंकि मूक जानवरों को भी इलाज करना जरूर। दूसरी बात, अनाज के अलावा गरीब लोगों को पहनने के कपड़े नहीं रहते, उनको घर में भाड़े नहीं रहते, तो एक सामाजिक संस्था ऐसे निर्माण करो कि उन्होंने जो सिटी है, सिटी में पुराने कपड़े कलेक्शन करने का सेंटर बनाओ, उसमें फोन नंबर दो, पेपरों में ना एडवर्टाइजमेंट दो कि भाई जिनके पास पुराने कपड़े फलाने कलेक्शन सेंटर पर जमा करो, भांडे हैं, बर्तन हैं, अनाज हो, वो सब समा कलेक्शन करके गरीबों को बांटो। अभी लोगों के पास जितने कपड़े रहते हैं, हर महीने दो महीने को ड्रेस लिया जाता है और बाकी के पड़े रहते, कुछ पहनते हैं कुछ पड़े रहते, ऐसे कपड़े जो है गरीबों के लिए दान करो खुशी से। और उसके लिए वो जो सामाजिक संस्था है उन्होंने उसके लिए सेंटर खोलना चाहिए, कपड़े पुराने कपड़े का कलेक्शन, पुराने भांडे होंगे, लोगों के पास बर्तन नहीं रहते, अनाज नहीं रहता, खाने को नहीं रहता, तो ये सब जो प्रकार है हमने सामाजिक संस्था के जरिए करना चाहिए। हसन साहब जो कर रहे हैं 4-5 साल से जो सेवा, ये बहुत ही आदरणीय और प्रशंसनीय सेवा है। ये सेवा ऐसे करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, हम क्या करते हैं, सब पार्टी में जाएंगे, ये प्रोग्राम है, वो शादी है, वो यूं है, वो टीला है, इंगेजमेंट में कई खर्चा हो जाता है, इंगेजमेंट में खर्च, शादी का तो छोड़ो, लेकिन गरीब आदमी को ये दान देने के लिए पैसे नहीं है। शराब खानों में जाकर देखो, हजार 500 की शराब 1000 रुपए में बिकती होटलों में, ऊपर खाना ये वो इतना छोड़ देते हैं, खाते नहीं, बीड़ियां फूकते, क्या तरीका है। जो कैप्टन रहता सेवा करता वो होटल में जो बाहर रहता उनके हाथ में 100-100 रुपए दे देते, लेकिन बाहर जो मांगने वाले ले लेते हैं उनको 10 रुपए नहीं। तो ये विचार छोड़ना चाहिए लोगों, ये जो विचार है। और आजकल क्या हो रहा है, मर्डर बलात्कार हो बहुत बड़े, यहाँ बलात्कार होगा, वहाँ खून होगा, तो इसमें कुछ लोग जो नजदीक के या जो भी समाज के लोग रहते हैं वो आंदोलन करते हैं। आंदोलन करके क्या उपयोग है, हमारे जो पुलिस भाई हैं इनका काम है कि जल्द से जल्द उसका खोजबीन करके आरोपी को पकड़ के जेल के अंदर डालो और ऐसा कायदा बनाओ कि खून और बलात्कार जैसे केसेस 1 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन को क्यों 2-2 साल लग रहे, देश में हो तो कंडक्ट द मैटर बिफोर फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड विद इन मंथ और 2 मंथ द मैटर शुड बी डिसाइडेड। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसमें पुलिस वालों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम पुलिस वालों को ऐसे वैसे बहुत नहीं, उनके जैसा मिलिट्री और पुलिस वालों के जैसा काम किसी का नहीं, इतना बंदोबस्त में 24 घंटे बेचारे लगे रहते हैं, खाना नहीं, पीना नहीं, ये नहीं, बच्चों की देखभाल नहीं, लेकिन ड्यूटी बरोबर बजा। इस प्रकार मेरा मतलब ये है कि ये जो बलात्कार खून के केसेस होते हैं इसमें कानून ऐसा बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक में 1-1.5 महीने में उसका निकाला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में 7-6 महीने से फाइनल हो जाए, नहीं तो ट्रायल कोर्ट नीचे का कोर्ट में 4-4 साल लग रहे, फिर हाईकोर्ट में जा रहे 4 साल लग रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 साल लग रहे, क्या मतलब हो तो केस का मतलब क्या है। सभी केस खून मर्डर हो जो भी होंगे, बलात्कार होंगे, ये सब केसेस जल्द अति जल्द इम्पोर्टेंट फास्ट ट्रैक में डिसाइड होना चाहिए और उसमें सब लोगों का सहकार्य होना चाहिए। जो केसेस के संबंधित जो विक्टिम्स होते हैं, पुलिस होती है और जो डॉक्टर पोस्टमार्टम, ये सबका सहयोग होना चाहिए। कई बार एडजमेंट हो जाते केसेस और जो डॉक्टर नहीं आ कर चलेगा, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, विटनेस नहीं, इतना सालों की चीज है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये जो केसेस है ये प्रायोरिटी बेसिस पर ऊपर से चीफ जस्टिस के तरफ से डायरेक्शन आना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन, 1 महीने के अंदर उसका रिपोर्ट आना चाहिए, हाँ, और 1-1.5 महीने में फाइनल डे टू डे चलो।
और उसके लिए जजेस की अपॉइंटमेंट ज्यादा कम, हमारे वहाँ देश में जजेस की अपॉइंटमेंट बहुत कम है, लाखों लोगों में एक जज पड़ता है, तो उसमें डिसीजन होने को बहुत टाइम लगता है। उस हिसाब से हमारा जो आर्बिट्रेशन है लवाद कोर्ट, ये बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसमें हम जितना जल्दी चाहे उतना केसेस करोड़ों रुपए के केसेस डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। और इस हिसाब से मेरा मतलब ये है कि ये जो सामाजिक कार्य अलग अलग है, कपड़े कलेक्शन करना, भांडे, अनाज, ये एक्सीडेंट के अवकाश, एम्बुलेंस लेकर जल्दी से जल्दी उसमें करना, ये सब चीज़ें उसमें आना चाहिए। और जिस प्रकार हम लोग दूसरे प्रोग्राम उतने इंटरेस्ट से करते हैं, उसी प्रकार समाज सेवा जो कर रहे हैं उनके संस्थाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो सामाजिक सेवा कर रहा है उसके लिए सब कोई बड़ा आदमी, हम जो लोग रहते हैं छोटे मोटे इनको भाव देते हैं, हमको भाव देते हैं, पेट्रोल में बड़े बड़े नाम आ देते हैं, क्या मतलब है भाई। सामाजिक सो जो हसन सागर से लोग हैं, जिनका पेपर में नाम दो, इनको या मतलब नहीं करो, इनको अभी महाराष्ट्र स्टेट का है तो मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में इनका नाम, पूरे भारत में इनका नाम, और इनके नाम के ब्रांचेस हो बड़े बड़े जो कैपिटल सिटीज है, दिल्ली है, इधर कलकत्ता है, यहाँ तुम्हारे ऑफिस बनाओ, और वहाँ के जो सरकारी संस्था है, सामाजिक संस्था, उनसे आप मिलके, उनसे आप ले करके इतना रिलेशन बढ़ाओ कि आज आपका नाम हो जाना चाहिए। क्यों, ये सामाजिक कार्य में पहले बोला सबसे बड़ा काम है जिंदगी में, जीवन में कोई बड़ा काम होगा तो सामाजिक, बाकी सब फजूल काम है। इस प्रकार मैं सामाजिक कार्य को अपना एक जीवन का उद्देश्य, क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व, हर महीने 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके गरीबों को देना, ये मेरा पहला उद्देश्य है। जुडिशल वर्क तो कोर्ट वर्क तो चालू है, लेकिन मैंने अब इसको प्रायोरिटी दिया। एक कैंसर से ग्रस्त लेडीज है, उसको घर को जाकर उसके उसके हाथ में 1,000 रुपये देकर उसको राशन का किट दिया, इतने रोने लगे अभी क्या बोलूँ। मैं बोला अभी कोई भी नहीं उनके आगे पीछे, भाई साहब को ना उसकी शादी कराए, कोई भी आके ये कैंसर ग्रस्त है, पैसे नहीं है उसके पास खर्चा है दवाई के लिए, 1,000-2,000 दे के उनको एक आदमी, तो इस हिसाब से मेरा जो मैं दाता नहीं कहीं भाषण दे रहे थे पहले बोल दिया कि जजेस लोगों को बोलना कम सुनना ज़्यादा रहता, तो इस प्रकार आज जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो सामाजिक कार्य करते हैं, मैं उनको मेरे तरफ से अभिनंदन करता हूँ और उनको हौसला अफजाई देता हूँ कि वो पहला काम उन्होंने सामाजिक कार्य को देना चाहिए, पहली फुर्सत। और इस प्रकार जो भी होता है जहाँ अड़चन आती है वहाँ फेस करना चाहिए, अड़चन आती है हर जगह, हर काम में अड़चन आती है, वो क्या करने का, उनको क्या देने का, नहीं घर के लोगों को, और मेरा मतलब है फैमिली में एक आदमी को भी सामाजिक कार्य में समाविष्ट होना चाहिए। इस प्रकार ये जो है बोलते हैं, मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर उज्जवल महाराष्ट्र चैनल जो हमारे कहते हैं हमारे नज़दीकी हसन भाई हैं, उनका जो उनका यूट्यूब चैनल है उसके ग्राम पे जो समाज रत्न गौरव पुरस्कार रखे गए हैं, इसके लिए उपस्थित आदरणीय बेदी सर, बाकी सब मान्यवर, अभी सबका पहली बार मुलाकात हो रही है तो सबके नाम अभी पहचान अभी हो जाएगी, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और हसन भाई ने जैसे बताया था बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, और आज जो सबसे बड़ी बात जो आपने देशमुख साहब ने बताई कि काम करने वालों का सत्कार होना चाहिए, बड़े लोगों का तो करने के लिए बहुत लोग हैं, ऐसी बात है, बहुत अच्छा एक उपक्रम है। आज की जो हालात है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट या फिर कोई भी सॉरी सबसे बड़ी हमारी न्याय व्यवस्था है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बाकी सब जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, ये सबसे अगर जो भी कोई है तो वो सब है
सामान्य नागरिक जो आम आदमी है वो सबसे बड़ा होगा। आज के वक्त में जो जरूरी है वो है आम आदमी अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, प्यार से रहे, क्योंकि जहर फैलाने के लिए तो हजारों लाखों लोग बैठे, तो ये सब नहीं होने देना है। ये अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, एक सामान्य नागरिक कर सकता है। अगर हमारे दिलों में अगर जहर अगर फैल गया तो हम किसी के लिए सकते हैं, लोग बहकाने के लिए तो बहुत लोग हैं। और हम सबको हमारे पास तो मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि लोगों को बहकाने के लिए बहुत से लोग आते हैं जो बातों को बढ़ा देते हैं, लोगों की करियर खराब हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जिसको समझ में आए वो जो काम करे वो सही से समझ रखना है। जो लोगों का करियर बचाए, जो लोगों में जो झगड़े नहीं हो इसके लिए जो काम करे वो सही से समझ रखना है। ऐसे लोगों का सत्कार होना चाहिए। हम तो हमारा काम कर रहे हैं जिसके लिए हमको सरकार पगार दे रहा है वो अलग सी बात है कि वो तो हमारा काम ही है। बट जो किसी भी इसके बिना किसी भी बहुत के बिना जो काम कर रहे हैं ऐसे लोग इसमें होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि आपने मुझे याद है इस शहर में आते सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो मैंने हसन भाई को बोला मैंने अभी तक काम ही क्या किया है कि आप ऐसा बोल रहे हैं, तो अभी पता नहीं हसन भाई बताएंगे कुछ किया रहेगा। तो आज मुझे यहाँ पर बुलाया करते हैं हसन भाई और सब जो आयोजक हैं आप सबका बहुत बहुत सिरगो पुलिस स्टेशन के PI साहब, छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष साहब, ग्रामीण के अध्यक्ष साहब, संचिवी साहब, उपस्थित भाइयों और बहनों, सब में पहले मैं समाज के उन हीरों को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्हें आज उज्जवल महाराष्ट्र की ओर से सम्मानित किया जाने वाला है। मैं हसन साहब की इस कोशिश को मुबारकबाद देता हूं। मैं हसन साहब, ये आपका 4th साल है और आपके प्रोग्राम में मेरा 3रा साल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कई सालों तक आपका और मेरा ये ऋणानुबंधन हमेशा कायम रहे और मैं हर आपके कार्यक्रम में, मैं गोश्तर 3 साल से देख रहा हूं। जज साहब, हसन साहब की पहचान और उनकी जो है परिचय बड़े बड़े राजकीय व्यक्तियों से है, मगर हसन साहब इस कार्यक्रम में ये विशेषकर न्यायाधीश को ही बुलाते हैं। गुज़िश्ता 3 साल से मैं देख रहा हूं कि न्यायपालिका के जो मुख्य होते हैं उन्हीं के हाथ से ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पर उनकी मंशा समझ में आती है कि जब ये न्याय देने का, ये पुरस्कार देने का वो चयन करते हैं तो समाज के उन हीरो को न्याय देते हैं जो समाज के आखिरी स्तर के काम कर बड़े बड़े नामवर व्यक्ति अतुल जी, उनको तो सरकार से लेके बड़े बड़े एनजीओ बड़े बड़े रकम देकर सम्मानित करती है, मगर जहां से समाज सुधरता है वहां के लोगों को सम्मान करना ये बहुत बड़ा काम है जो हसन शाह और उज्जवल महाराष्ट्र कर रहा है। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं और उनके साथ यहां पर गब्बर
जिस तरह शोले का गब्बर है उस तरह एक औरंगाबाद में न्याय के लिए गब्बर कमेटी है, वो भी उनके साथ हमेशा कांधे से कांधा लगाकर खड़ा है। मैं उनको भी जो है तो मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम को भी जो है तो मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जिन व्यक्तियों का यहाँ सम्मान होने वाला है उन व्यक्तियों पर इस सम्मान यानी आप पे और जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपके प्रति समाज की उम्मीदें बढ़ गई है कि उज्जवल महाराष्ट्र ने आपका सम्मान किया है तो समाज की निगाह आप पर पड़ रही है और आज तक जो आप कर्तव्य करते आ रहे हैं इससे ज्यादा अच्छा कर्तव्य करने की प्रेरणा आपको इस सम्मान से मिलेगी। यही अपेक्षा के साथ आपके और सम्मान के बीच में आपके और माननीय पीआई साहब और न्यायाधीश साहब के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। यार जिंदा सौगत बाकी जय जय महाराष्ट्र। शुभ अवसर पर हसन शाह साहब उनको मैं मेरी और छौनी परिषद के तमाम लोगों की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उन्हों जो हर साल ये प्रोग्राम लेके जो अच्छे कार्य करते हैं उनका उत्साह बढ़ाते हैं मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और उनकी पूरी टीम उज्ज्वल महाराष्ट्र के नाम से जिनकी पहचान है ऐसे हमारे मित्र हर साल समाज में जो कार्य कर्तृत्ववान व्यक्ति है उनका सत्कार करके उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी खुशी है कि कोई भी जो प्रोग्राम है अरेंज करना और उसको कंप्लीट करना ये बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे जो मंच पे विराजमान महाराष्ट्र के बुलंदतों के नाम से जिन्हें पैसा लगाता है महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य वैसा ही सेंट्रल हज कमेटी के सदस्य हमारे नेता माननीय विजय देशमुख साहब सिडको पुलिस स्टेशन के कार्यकर्तृत्व कर्तव्य दक्ष अधिकारी अतुल साहब नगर सेवक बब्बू भाई कबीर भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री शेख गले भाई शेख कासम भाई और तमाम साथियों आज वक्त कम है लेकिन शाह साहब की जो भी तारीफ करें उतनी कम है। अभी हमारे मेरे पास में 13 जगह स्कूल चलते हैं 200 लोगों का हमारा स्टाफ है कर्मचारी कैसे हैंडल करना ये हमें अच्छी तरह मालूम है। फिर भी आज के इस प्रोग्राम के बारे में सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति का इस्तकबाल करने का जो प्रोग्राम हर साल लेते हमें बहुत बड़ी खुशी है कि ऐसा ही प्रोग्राम उनके हाथों हर साल हो जो कि समाज के व्यक्ति का हिम्मत बढ़े। मी मराठी पण चांगल्या पद्धतीने बोलू शकतो परंतु इथे जास्तीत जास्त मुस्लिम समाज असल्यामुळे मी हिंदीत बोलण्याचा प्रयत्न करतो। मला इथं अतिशय असा अभिमान आणि खुशी आहे कि शाह साहेब जे समाजामध्ये काम करतात त्यांच्या उज्ज्वल महाराष्ट्र चॅनलच्या माध्यमातून खरोखरच योग्य असे त्या बातम्या लावतात आणि योग्य असे व्यक्तीची निवड करून प्रत्येक वर्षी त्यांचा सत्कार करतात। परमेश्वर त्यांना ही हिम्मत देव ही ताकद देव ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो जय हिंद जय महाराष्ट्र। नमस्कार सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता संपादक हसन शाह साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम मैनेज किया और हम सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। ये उनके लिए बहुत ही सराहनीय बात है और बहुत मेहनत लगती है इस काम को करने के लिए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा एक बार ताली बजाकर हसन भाई का स्वागत करें ताकि उनका हौसला अफजाई बढ़ता रहे। आज हमारे बीच हमारे स्टेज पे मौजूद जज साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे हज कमेटी
बीजेपी के हज कमेटी के सेंट्रल के हज कमेटी के मेंबर एजाज भाई देशमुख, हमारे सिरपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी अतुल जी साहब का मैं भी स्वागत करता हूँ और सभी मान्यवर का मैं स्वागत करता हूँ और यहाँ पे मौजूद तमाम सदस्यों का, तमाम लोगों का, तमाम पदाधिकारियों का, तमाम संस्थाओं के आदेशों का, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हसन भाई की हौसला अफजाई की और इस तरह से उनका हौसला अफजाई बढ़ाने का हक सा हमेशा काम करते रहेंगे। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। आज के इस दौर में, भाग दौड़ के दौर में समय निकालना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। दूसरों के लिए समय देना, क्योंकि अपने लिए समय नहीं बच रहा, फिर भी हम दूसरे के लिए समय निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से थोड़े एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की मालूमात हासिल होना और लोग जो समाज के अंदर सोशल वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे की उसको जानकारी होना, ताकि एक दूसरे की हम समय पे मदद ले सके, दे सके, आदान प्रदान करने के लिए हमें आसान हो जाता है। इस बड़े काम को अंजाम देने का इसमें सबसे बड़ा हाथ ये हसन शाह साहब का है, उनको बहुत बहुत इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और तमाम मेहमानों का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने पहचान बताना तो भूल ही गया हूँ। मैं सलीम चिश्ती, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा शहर अध्यक्ष हूँ। कभी भी समाज में कोई काम हो, कोई जरूरत पड़े तो आप भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आजकल जो काम हमारे लोग कर रहे हैं और समाज में, हम समाज के हर अच्छे काम में खड़े होने के लिए हम पार्टी में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का काम नहीं कर रही, हर काम में हमारी पार्टी मुसलमान और अल्पसंख्यक समाज का काम कर रही है। इसीलिए मैं इस पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ और मैं इस प्रोग्राम में फिर से एक बार असद भाई को मुबारकबाद देता हूँ और अपने दो शब्द खत्म करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। हर प्रोग्राम में मैं देखता है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ भी प्रोग्राम रहे हो उसको अच्छा लेके चलते हैं, अच्छा चैनल पे बताते हैं, सब लोगों को सुख सुविधा मिले है। इसलिए शाह साहब से गुजारिश है कि अच्छे से अच्छे चलेंगे। धन्यवाद। साप्ताहिक पेपर और यूट्यूब चैनल है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और संपादक हसन शाह साहब पिछले 4 सालों से लगातार शहर, जिला, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के समाज सेवकों को जो है तो ढूंढ के लाते हैं और उनको यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। ये उनका एक अनोखा, एक अपनापन है जिससे सामाजिक कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी होती है और आगे वो और भी ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। पिछले 4 साल से ये सिलसिला इसी तरह जारी है। तो मैं शाह साहब और उनकी पूरी टीम को गब्बर एक्शन कमेटी औरंगाबाद की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। सामने वालों का बायोडाटा जमा करना, फिर उसकी एक ट्रॉफी बनाना और एक सम्मान चिन्ह बनाना और उसको पूरा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है। और ये काम शाह साहब और उनकी टीम लगातार 4 साल से ये कर रहे हैं और आगे भी मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि शाह साहब और उनका चैनल इतनी तरक्की करें कि वो जिला मराठवाड़ा और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे इंडिया में उनका चैनल का नाम हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं, शाह साहब का मैं तो हमेशा से यही कहता हूं कि वो हर किसी को अपने साथ में लेकर चलते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को इज्जत देते हैं। उनका ये एक अपनापन हर किसी को बहुत भाता है। तो मैं शाह साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि कद बड़ा नहीं होता, पद बड़ा नहीं होता, मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वही सबसे बड़ा होगा। अभी थोड़ी देर में हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं,
सारे मान्यवर आ चुके हैं, बस एक 5 मिनट में हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।